अभी सब्सक्राइब करें राम टेक्निकल टेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप भी अपनी लाइफ में ईमेल वगैरह का बहुत यूज करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए बनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ईमेल को, अपने मैसेज को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से सेंड कर सकते हो। आप उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस लगा सकते हो, और तो और फ्रेंड्स लिमिटेशंस आप ऐसे लगा सकते हो जैसे कि फ्रेंड्स आप चाहो तो आपका जो मैसेज है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, उसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, वो कॉपी नहीं होगा, और तो और आप उसमें एक लिमिटेशंस लगा सकते हो, एक ड्यूरेशन सेट कर सकते हो कि भाई सामने वाले बंदे के ईमेल पर ये मैसेज इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक रहना चाहिए और उसके बाद ये खुद ही डिलीट हो जाए। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अपने ईमेल को सेंड करते टाइम, तो वो कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो शुरू से लेके लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और आगे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ये जो जानकारी है वो आगे दूसरों तक पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं राम टेक्निकल ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हम अपने ईमेल अकाउंट से कैसे एक कॉन्फिडेंशियल ईमेल सेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, अपनी जीमेल वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वो ईमेल दे दूँगा जहाँ भी मुझे ईमेल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से ईमेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने क्या करा, ईमेल दे दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आप मैटर टाइप करने से पहले या फिर सब्जेक्ट लिखने से पहले आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे 3 डॉट्स पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेकंड वाले ऑप्शन में क्या होगा, एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फिडेंशियल मोड। ठीक है, तो आपको उसको इनेबल करना है। तो जैसे ही आप उसको इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर आपको कुछ देखेगा, देखिए फर्स्ट में देखेगा सेट एक्सपायरी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर 1 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 5 ईयर इस तरह से कर देना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आप कर देंगे एक्सपायरी इन 1 डे, ठीक है, तो आप जैसे ही इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि 1 दिन के बाद ये ईमेल, ये मैसेज ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा है रिक्वायर्ड पासकोड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है SMS पासकोड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको उस यूज़र का मोबाइल नंबर देना होगा। यानी कि आप ये समझिए कि आप अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि सिर्फ ये बंदा यही ईमेल पढ़ पाए और कोई भी ना पढ़ पाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर SMS पासकोड सेट कर देंगे और उस पर्टिकुलर बंदे का मोबाइल नंबर दे देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप उसका मोबाइल दे देंगे तो उसके मोबाइल पर एक OTP जनरेट होगा और जब वो बंदा इस ईमेल को पढ़ेगा तो उसे पढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, वो OTP यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको नहीं करूँगा, मैं सिर्फ क्या करूँगा, ये अपने फ़ोन में ही कर रहा हूँ तो स्टैंडर्ड ही रहने देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं ये सेटिंग कर लूँगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में सेव करना पड़ेगा। तो हमारी ये जो सेटिंग है वो सेव हो चुकी है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट हम लिख देते हैं टेस्टिंग, क्योंकि हम ये डेमो ले रहे हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं दिस इज़ टेस्टिंग मेल। ठीक है, सपोज़ करिए ये मैंने मैटर टाइप कर दिया। ठीक है, और जो भी मुझे अटैच करना था वो मैसेज मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेंड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके मैं इसको सेंड कर देता हूँ, ये जो मैसेज है वो चला गया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ जिस भी ID पे मैंने करा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने क्या करा है, अपनी दूसरी ID ओपन कर लिए, और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरा जो फर्स्ट में ईमेल है वो आ चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ईमेल है वो कैसा शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दिख रहा है दिस इज़ टेस्टिंग मेल जो मैंने लिखा था। उसके नीचे यहाँ पर देखेंगे कंटेन एक्सपायरी 18 सितंबर 2018। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि भैया आपका जो कंटेन है, जो लिखा हुआ है, वो एक्सपायर हो जाएगा 18/2018 में। ठीक है, यानी कि वो आज 17 है और कल जो 18 होगी उसमें जाके एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल ईमेल को सेंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये जो मैं आपको बता दूँ, अब देखिए फ्रेंड्स इसको कोई भी अगर स्क्रीनशॉट लेगा तो ना तो इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, ना ही ये जो ईमेल है हम यहाँ से इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो आप देखेंगे आगे फॉरवर्ड करने का भी कोई ऑप्शंस नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह, और अगर आप इसको कॉपी करना चाहेंगे, जो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको जो कॉपी करते हैं, तो उस तरह से आप इस ईमेल को कॉपी भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल ईमेल को सेंड कर सकते हैं जो ना तो कभी कॉपी किया जा सकता है,
ना ही स्क्रीनशॉट वगैरह लिया जा सकता है और ना ही इसको आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारी ऐसी ऐसी इस सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं, हम अपने फ़ोन से या किसी अदर पार्टी से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट वो चीज़ अलग है। बट नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो सिक्योरिटी है उसको बाईपास नहीं कर सकते। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल ईमेल को सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर सुझाव है तो आप उनसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को देखा, मुझे टाइम दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।